मार्च का माह घूमने फिरने का बहुत ही अच्छा महीना है, क्योंकि इस महीने में मौसम खुशनुमा रहता है। न ठंड रहती है और न ही गर्मी, न ही बारिश और न ही तूफान। इस महीने में हवाएं भी मध्यम मध्यम चलती है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। पहला है लेह लद्दाख। भारत में मौजूद सबसे खूबसूरत और हसीन जगहों का जिक्र होता है तो लेह लद्दाख का नाम जरूर लिया जाता है। एक तरह से भारत के लिए यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बर्फ से ढके पहाड़, प्रसिद्ध मठ और खूबसूरत नज़ारे पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ऐसे में अगर आप मार्च के महीने में सबसे पहले किसी जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। मार्च के महीने में यहाँ न ही अधिक गर्मी होती है न ही ठंडी, इसलिए सैलानी भी यहाँ भारी संख्या में पहुँचते हैं। लेह लद्दाख में आप पेंगोंग झील, मैग्नेटिक हिल, फुकताग मठ, टो मोरिर झील और पैलेस जैसी खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दूसरी जगह है पंचमंडी। भारत का दिल बोलने जाने वाले राज्य यानी मध्य प्रदेश में घूमने के लिए एक ये सबसे बेहतरीन जगह है, लेकिन मार्च के महीने में पंचमंडी घूमने का जो मज़ा है शायद ही आपको किसी स्थान पर मिलेगा। हसीन वादियों में घिरा हुआ स्थान, खूबसूरत झील, झरने, गुफा और हरियाली के लिए पूरे देश में फेमस है। मार्च के महीने में इस हिल स्टेशन का मौसम एकदम सुहाना होता है। पंचमंडी में आप भी फाल, अप्सरा विहार, पांडव गुफा, जमुना जल प्रपात और सनसेट का पॉइंट जैसे हसीन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो तीसरी जगह है अंडमान निकोबार। दोस्तों, उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आपको कौन सी जगह एक्सप्लोर करने को पसंद आएगी कमेंट में बता दीजिए। मार्च के महीने में अंडमान निकोबार जैसी जगह को एक्सप्लोर करने का एक अलग ही मज़ा होता है। रोमांटिक मौसम, नीले नीले पानी, नारियल के पेड़, खूबसूरत समुद्री तट और किनारे परिवार, दोस्तों और पार्टनर की छुट्टियों बिताने का एक अलग ही मज़ा होता है। अगर आप घूमने के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स का भी शौक रखते हैं तो फिर अंडमान निकोबार जरूर पहुंचना चाहिए। यहाँ आप राधा नगरी बीच, हैवलॉक द्वीप, रॉस आइलैंड ऐसी बेहतरीन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और चौथा है कोसानी। आपने ये जगह सुनी नहीं होगी, लेकिन ये हमारे उत्तराखंड में मौजूद कोसानी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। मार्च के महीने में घूमने के लिए बेस्ट जगह मानी जाती है। कहते हैं यह एक छोटा सा गांव है, लेकिन खूबसूरती के मामले में उत्तराखंड की किसी भी अन्य जगह से कम नहीं है। हरियाली, देवदार के वृक्ष और हिमालय की आकर्षक चोटियों की। दोस्तों, आपके लिए मार्च और अप्रैल महीने में घूमने वाली जगह लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्च में घूमने की बात हो रही है और ऐसे में हम ऋषिकेश की बात न करें ऐसा कैसे हो सकता है। ऋषिकेश भारत में मार्च में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ दुनिया भर से कई पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में भाग लेते हैं। एडवेंचर प्रेमियों के लिए ये जगह बहुत ही बेस्ट है। यहाँ आप रिवर राफ्टिंग, लेक के बंजी जंपिंग और भी कई रोमांचक एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। साथ ही धार्मिक प्रेमियों के लिए ये जगह बेस्ट है। लक्ष्मण झूला, राम झूला, वशिष्ठ गुफा, त्रिवेणी घाट, बिटलस आश्रम यहाँ देखने लायक जगहों में आता है। ऋषिकेश के पास का हवाई अड्डा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून है। साथ ही अगर आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन से यहाँ पूछ सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते हमें बहुत ही आगे जाना है और एडवेंचरस प्लेसेस आपको एक्सप्लोर करने हैं। तो सेकेंड है हम्पी कर्नाटक। कर्नाटक की पहाड़ियों में से मौजूद हम्पी घूमने में शौकिंग लोगों के लिए बेस्ट जगह है। मार्च में यहाँ का मौसम विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों, महलों और अन्य खूबसूरत खंडहरों के देखने लायक बना देता है। हम्पी एक तरह से खुला म्यूजियम है। यहाँ आप एक से एक प्राचीन समृद्ध इतिहास देख सकते हैं। ये जगह मार्च में भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से आती है। यहाँ के पास हवाई अड्डे हुबली हवाई अड्डा है। साथ ही अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो करिंगूर रेलवे स्टेशन यहाँ से बेहद पास है। विजय विठ्ठल मंदिर, मंतगा हिल, विरूपाक्ष मंदिर, कमल महल यहाँ की देखने लायक जगहों में से एक है। और तीसरा है जो आप सबको मालूम है, गोवा। मार्च भारत के पार्टी हब लवर्स के लिए बेस्ट जगह है।
जिन्हें पार्टी करना बहुत पसंद है उनके लिए गोवा बेस्ट जगह है। अगर आप भी भारत की कोई ऐसी मस्ती भरी जगह की तलाश में है तो आपको एक दोस्तों साथ इस महीने गोवा प्लान बनाना चाहिए। यहाँ के बीच सुहाना मौसम, ऐतिहासिक इमारतें, भारत पुरगामी खाना, भारत जैसी अनेक चीज़ों का अनुभव आपका दिल जीत लेगा। यहाँ देखने लायक जगह वैसे बहुत है, लेकिन उनमें से कलंगुट बीच, अगुआड़ा किला, सिक्वेरी बीच, दूध सागर फॉल्स जैसे जिन्हें आप अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। गोवा के पास का हवाई अड्डा डाबोलियम एयरपोर्ट है जो पणजी से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रेन से घूमने वालों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। यहाँ के पास का स्टेशन मणगांव रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों चौथा है कुर्ग कर्नाटक। मार्च के महीने में कुर्ग कर्नाटक मसाले, कॉफ़ी, चाय के बगैर खिल उठते हैं। हर हफ्ते हरियाली लोगों का दिल जीत लेती है। पहाड़ों पे दिखती हुई धुंध विदेश में घूमने जैसी जगहों के अनुभव कर देता है। कुर्ग कपल्स के घूमने के लिए बेस्ट जगह मानी जाती है। मुगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुर्ग के पास एयरपोर्ट है, साथ ही ट्रेन से आने वाले लोगों के मैसूर रेलवे स्टेशन के पास पड़ेगा जो कुर्ग 95 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अभय जलप्रताप, इरू जलप्रताप और मदिकेरी किला यहाँ देखने लायक जगहों में आता है। पाँचवा है जयपुर राजस्थान। गुलाबी शहर अपने शानदार किलों, महलों और म्यूजियम के पर्यटकों को आए दिन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मार्च में जयपुर एलिफेंट फेस्टिवल भी होता है जहां आप हाथी नृत्य, हाथी पोलो जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। टेस्टी स्ट्रीट फूड और शाही इतिहास शहर को मार्च के महीने में भारत में घूमने के सबसे जगहों में से एक बनाता है। जयपुर के पास का एयरपोर्ट जयपुर हवाई अड्डा है जो शहर के 11 किलोमीटर दूर पर स्थित है। साथ ही यहाँ के पास स्टेशन जयपुर रेलवे स्टेशन में है। आमेर किला, जौहर बाजार, सिटी पैलेस, हवा महल, अल्बर्ट हॉल, संग्रहालय यहाँ के देखने लायक जगह है। तो आपको वीडियो कैसी लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखिए।